योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना सरकार का दायित्व तो है, और जितनी आपकी क्षमता है ये कमा पाना आपकी अपनी खुद की कैपेसिटी है, जितना आप कमा सकते हैं रिसोर्सेज का उपयोग करके, अनुकूलतम रिसोर्सेज का उपयोग करके जितना कमा सकते हैं वो आपका है। साम्यवाद में ऐसा नहीं होता है, साम्यवाद में थोड़ा सा शासन निरंकुश हो जाता है। साम्यवाद में जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म में साम्यवाद में शासन थोड़ा निरंकुश हो जाता है और इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और होता क्या है, ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। नीड लास्ट में जहां पर आपने कैपेसिटी लिखा था वहां पर क्या हो जाएगा, नीड, अर्थात प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिफल मिलेगा। योग्यता के अनुसार कार्य दिलाना तो सरकार का कर्तव्य है, लेकिन जो प्रतिफल मिलेगा वो आपकी आवश्यकता के अनुसार ही मिलेगा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर YouTube पर आप सर्च करेंगे तो आपको एक चाइना में गांव मिलेगा जिसके बारे में आपको सुना होगा, आपने प्रत्येक व्यक्ति की आय 15 लाख प्रति व्यक्ति है, हर व्यक्ति उस गांव का 15 लाख कमाता है, तो वो साम्यवाद का एक उदाहरण है। साम्यवाद में जैसे चाइना में अगर आप बात करें तो चाइना में आप अगर एक प्रांत के निवासी हैं और दूसरे प्रांत में माइग्रेट करके नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी तो मिलेगी, लेकिन आपको सारी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। आप दूसरे प्रांत में जैसे ही माइग्रेट करते हैं आपको सोशल सर्विसेज कहते हैं, उसको सोशल सर्विसेज कहते हैं, वो सोशल सर्विसेज आप नहीं पा सकते, जैसे मुफ्त में चिकित्सा, सरकारी सेवाओं का मुफ्त में उपयोग, ये जो सरकारी सुविधाएं हैं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य बीमा, ये सारी सुविधाएं आपसे वापस ले ली जाती है। यानी आप सरकार का कर्तव्य क्या है, तो आपको आपके ही प्रांत में रोजगार मुहैया कराए, और रोजगार मुहैया कराए तो कैसा रोजगार मुहैया कराए, आपकी योग्यता के अनुसार, तभी तो आप काम कर पाएंगे। तो ये रहा आपका कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये भी डेवलप्ड इकोनॉमी था, ये भी डेवलप्ड इकोनॉमी था, और ये कैसा इकोनॉमी था, डेवलपिंग इकोनॉमी था। तो अब सवाल आता है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, और डेवलपिंग इकोनॉमी किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी कई डेफिनेशन है, डेवलप्ड इकोनॉमी के कई डेफिनेशन है। एक तो हम पहला डेफिनेशन लेते हैं वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी भी देश की आय प्रति व्यक्ति आय अमेरिका या ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है या उसके आसपास है तो उसको हम डेवलप्ड इकोनॉमी की संज्ञा देते हैं। हमने क्या बताया आपको, अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका ब्रिटेन या किसी अन्य देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है तो उसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी की संज्ञा देते हैं, दैट इज डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर हम बात करें तो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब, ईरान, तुर्की या गल्फ कंट्रीज हम जिनको कहते हैं, या हम और बात कर लें जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात्स कहते हैं, जो सबका सपना होता है, आजकल सपनों का सार बना हुआ है, UAE, तो वो तो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। फिर ये डेवलप्ड कंट्री की जो डेफिनेशन है तो ये तो अपने आप में इसका मतलब पूर्ण नहीं है। तो डेवलपमेंट की परिभाषा हम दो आधार पर कर सकते हैं, एक तो है हमने बताया था जो अभी आपको
वो था पर कैपिटा इनकम के आधार पर। और दूसरा जो डेफिनेशन है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास है आप जानते हैं कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म है जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर साल एक सूचकांक प्रकाशित करता है, इसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उस आधार पर अगर हम विकसित देश की परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा देश जहां पर जहां का जीवन स्तर उच्च है, जीवन स्तर उच्च होने का अभिप्राय है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं क्या है, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, भोजन और कपड़ा, अगर आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी विकास के सारे संसाधन मौजूद हैं, उनका समुचित विदोहन का मतलब यूटिलाइजेशन, उनका समुचित यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पा रहा है और वहां के लोगों का जीवन स्तर उच्च है, दे आर लिविंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देन इट इज नोन एज द डेवलप्ड इकोनॉमी। शुड आई रिपीट इट? अगर किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, विकास की संभावनाएं मौजूद हैं, विकास के समुचित संसाधन उपलब्ध हैं और वहां के लोग उनका समुचित उपयोग कर पा रहे हैं और इस वजह से उनके जीवन का स्तर अच्छा है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, हाँ, इन द वर्ल्ड देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड द सिटीजन्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड द सिटीजन्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दियर बेस्ट यूटिलाइजेशन। सिटीजन्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दियर बेस्ट यूटिलाइजेशन फॉर दियर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देन इट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी किसे कहेंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी हम उसे कहते हैं जहां पर विकास के संसाधन तो मौजूद हैं, वेयर द रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट आर अवेलेबल, वेयर द रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट आर अवेलेबल, विकास के संसाधन तो मौजूद हैं बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन पॉसिबल टिल डेट ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स
द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज नॉट बीन पॉसिबल टू डेट बट द सिटीजंस ऑफ दैट इकोनॉमी आर यूजिंग दियर एफर्ट मेकिंग दियर एफर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दियर लाइफ देन इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी. हिंदी में आप समझिए, यदि किसी के देश किसी भी देश में वहां के निवासियों के द्वारा संसाधनों का समुचित उपयोग किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया है, परंतु अब वहां के लोग संसाधनों का समुचित विलोहन करने के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए प्रयासरत हैं और उनका जीवन स्तर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी. तीसरी तरह की इकोनॉमी आती है अनडेवलप्ड इकोनॉमी. जहां ना तो विकास के कोई संसाधन मौजूद है और ना ही भविष्य में पाए जाने की संभावना ही है, उनको हम अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं. जैसे सहारा या गोभी का मरुस्थल, ना तो वहां पर कोई संसाधन अवेलेबल है ना तो पाए जाने की कोई संभावना है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उनको अनडेवलप्ड इकोनॉमी ही कहते हैं. तो हमने आपको बताया डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अनडेवलप्ड इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी. अगले चैप्टर में यानी अगले लेक्चर में हम आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताएंगे. जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं शेयरिंग इकोनॉमी की, कई बार हम बात करते हैं ब्लैक इकोनॉमी की, कई बार हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमी, और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे आपके इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पर. कुछ जो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम कवर करेंगे अगले चैप्टर में. तो क्वेश्चन के लिए तब तक इंतजार करिए अगले लेक्चर का, अगले वीडियो का. आज के लिए यहीं तक. धन्यवाद.